12वीं हिंदी कोर आधार की पाठ्यपुस्तक आरोह से लिया गया पाठ है मेरी कल्पना का आदर्श, जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया था। इस वीडियो में इस पाठ का सार और व्याख्यान पढ़ेंगे। पाठ के इस अंश के अंदर कवि बताते हैं कि उन्हें किस तरीके के समाज की जो है कल्पना करनी है। ठीक है, पहले उन्होंने जाति प्रथा सबसे बड़ी कमी बताई कि जाति के कारण जो है वर्ग जो जनता है वो निम्न वर्गों में बट जाती है। ठीक है, अलग अलग वर्गों में बट जाती है, जिसकी वजह से ना सबको अवसर नहीं मिल पाते हैं। तो अब यहाँ पर वो बताते हैं, तीन चीज़ें प्रमुख बताई हैं उन्होंने कि मेरी कल्पना का आदर्श समाज की, मतलब वो बताते हैं कि मैं क्या कल्पना करता हूँ कि समाज में कैसी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, मतलब जाति प्रथा के कारण क्या होता है कि हमको अच्छे अवसर नहीं मिल पाते, पहले अंश में बताया। उसी का ही ये दूसरा अंश हो गया जिसमें वो बताते हैं कि मेरी कल्पना के आधार पर, मतलब मैं कैसी कल्पना करता हूँ कि समाज को कैसा होना चाहिए, कैसा बनाने की वो कल्पना कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हैं स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। स्वतंत्रता क्या होगी यहाँ पे, कि व्यक्तियों को स्वतंत्रता मिले अपना जो कारोबार है वो चुनने की। ठीक है, बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, अफसरों की स्वतंत्रता होनी चाहिए लोगों में, और सामाजिक संपर्क की स्वतंत्रता होती है। जैसे जाति प्रथा के कारण क्या होता है कि आप अपने तक ही सीमित रहते हो, अपनी जाति तक ही सीमित रहते हो, आप सबके साथ आगे नहीं बढ़ पाते। ठीक है, तो इस तरीके की स्वतंत्रता की जो है कवि कल्पना करते हैं, लेखक कल्पना करते हैं। उसके बाद वो समानता चाहते हैं कि सभी तबके के लोगों को, मतलब जनता में सभी में समानता रहे, सब जो है भाईचारे से जिए। तो इस तरीके के समाज की कल्पना वो करना चाहते थे, तभी जो है समाज आगे बढ़ पाएगा, देश का विकास हो पाएगा, जब ये तीनों चीज़ें प्रमुख चीज़ें जो है हम अपना लेंगे। पूरा जो पाठ का ये अंश है सिर्फ इन तीन पॉइंटों के ऊपर ही निर्भर करता है। सिर्फ इन्हीं बातों को लेखक ने जो है बार बार बताया है कि ये जब समाज में आ जाएगा तो किसी भी तरीके की कोई चीज़ नहीं रहेगी, और ये समाज में कब आ सकता है, जब हम जाति प्रथा को ख़त्म कर सकें। तो अब इसका वाचन से एक व्याख्यान करते हैं। जाति प्रथा के खेदक परिणामों की नीरस गाथा को सुनते सुनते आप में से कुछ लोग निश्चय ही ऊब गए होंगे। लेखक यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई मैं जो अभी पहले क्या बात कर रहा था, जाति प्रथा की बात कर रहा था, मतलब पाठ का जो पहला अंश था, भाषण ही तो था ना ये, तो उसमें वो बताते हैं कि भाई मैं जो है पहले जो ये बात कर रहा था वो नीरस थी। ठीक है, जाति प्रथा के खेदजनक, खेदजनक मतलब दुखद, जिस पर हमें खेद होता है, दुख होता है कि हमारे समाज की कमी है। तो ऐसे कुछ परिणामों का जो मैं नीरस गाथा गा रहा था, मतलब तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा था, उसमें कोई रस नहीं, तुमको आनंद नहीं मिल रहा था, तो नीरस का अर्थ हो गया जिसमें तुम्हें आनंद ना मिले। तो ऐसी गाथा अर्थात कहानी मैं सुना रहा था, इसमें अक्सर सब लोगों को तो अच्छी लग रही होगी ना बातें, तो वो बताते कि भाई कुछ लोग तो उब भी गए होंगे, उबाऊ हो गए वो, यह अस्वाभाविक भी नहीं है। और ऐसा जो है अस्वाभाविक भी नहीं, मतलब ये स्वाभाविक बात है। ठीक है, कि ऐसा हो सकता है, सब लोग थोड़ी ना उस बात की सहमति में हो सकते हैं, या सबको थोड़ी ना अच्छी लग सकती, तो ये स्वाभाविक भी है, ये ऐसा होता है। अतः अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ, अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। ठीक है, मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ, लेखक क्या बताते हैं भीमराव अंबेडकर कि अगर मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो फिर मेरी दृष्टि में समाज, आदर्श समाज क्या है। मैंने क्या किया, जातियों का विरोध किया पहले तो। ठीक है, जातियों का विरोध किया मैंने अपने पहले भाषण में। अब अगर मैं जाति का विरोध कर रहा हूँ तो आप प्रश्न मुझसे पूछोगे ना, आपकी नज़र में समाज कैसा होना चाहिए। तो यहीं पर जो है भीमराव अम्बेडकर अब बताते हैं कि अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरी समझ में जो है एक आदर्श, जो है एक आदर्श समाज का क्या रूप होना चाहिए। आगे बताते हैं वो, ठीक है, यदि ऐसा पूछेंगे तो मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज कैसा होगा, पहला स्वतंत्रता, दूसरी समानता और तीसरा भ्रातृत्व पर आधारित होगा। मतलब मेरे समाज के अंदर ये तीनों के तीनों जो तथ्य हैं वो होंगे बहुत ज़रूरी। मतलब जाति प्रथा का तो मैं विरोधी हूँ ही, पर मेरे समाज के अंदर अगर मैं कल्पना करता हूँ कि मेरा जो है आदर्श समाज कैसा होगा, तो मेरे समाज में ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए। यह ठीक नहीं है कि भ्रातृत्व अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। अब ये बात भी वो बताते हैं कि भाई यह तो ठीक ही है ना कि भाईचारे से तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी, सब मिल बांट के रहो, ठीक है, सब भाई भाई बन के रहो। किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिसमें जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके।
कोई भी वांछित परिवर्तन, अर्थात हम क्या किसी भी तरीके का कोई भी अगर हम परिवर्तन चाहते हैं जिसकी हमको इच्छा हो, वांछित करते जिसकी हम इच्छा रखते हैं कि कैसा परिवर्तन होना चाहिए, तो अगर समाज में कोई भी ऐसा कोई परिवर्तन होता है जो एक छोर से दूसरे छोर तक, अर्थात हम कोई परिवर्तन करते हैं तो वो एक छोर से दूसरे छोर तक, ठीक है, तक संचारित हो सके, तक जा सके, अर्थात संचारित होना जा सके, तो हम कोई भी परिवर्तन करते हैं तो वो एक छोर से दूसरे छोर तक जाना चाहिए, ठीक है, इसी को संचार कहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। ऐसे समाज में बहुविधि हितों में सबका भाग होना चाहिए, बहुविधि, ठीक है, बहुविधि हितों में सबका भाग होना चाहिए, अर्थात कोई भी हम कार्य कर रहे हैं, ठीक है, सबके लिए, जाति प्रथा के आधार पर हमें बांटना नहीं है, हमें क्या करना है, सबके लिए क्या होना चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, आप अपना व्यवसाय चुन रहे हो, समानता का भाव होना चाहिए और सभी के लिए भाईचारे का भाव हमारे अंदर होना चाहिए। तो इस तरीके से बहुविधि हितों में सबका भाग होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि मैंने जो है देश के केवल इस कोने तक जो है काम कर लिया, बाकी जो देश का मेरा दूसरा कोने है यहाँ के लोगों को मैंने छोड़ दिया। तो अगर मैं इन सब चीज़ों में काम कर रहा हूँ, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृता, तो इसके अंदर मेरे को जो है मेरे को मेरे देश के इस छोर से लेकर उस छोर तक मेरे को सबको जो है समान करना है। तो ये जो मैं परिवर्तन लेकर आऊंगा ना, ये परिवर्तन मेरे को केवल एक कोने तक नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए कि मेरे पूरे के पूरे देश में जो है वो परिवर्तन हो। सबको उसकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए और सभी को, सबके जो जिसके हित में हम काम कर रहे हैं ना, ठीक है, मान लो आपको स्वतंत्रता दे दी गई तो आपके हित की जो रक्षा है, ठीक है, वो भी उसके लिए भी आप सजग होने चाहिए। मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपको अपने हितों की रक्षा करनी है, आपको अधिकार तो दे दिया पर आप अपने अधिकार का सही से प्रयोग नहीं कर पा रहे, तो ही बताते हैं कि उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। तात्पर्य यह है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है। अर्थात समाज में अबाध संपर्क में आने वाले साधनों व अवसरों का उपलब्ध रहने चाहिए। मतलब समाज एक ऐसा होना चाहिए, अर्थात लेखक बताते हैं ना कि मैं जिस समाज की कल्पना करूं, समाज में कैसा होना चाहिए कि सभी लोगों के लिए क्या है, अबाध संपर्क के अनेक साधन और अवसर उपलब्ध होने चाहिए। अबाध संपर्क, अबाध संपर्क को हम यहाँ पे क्या लेंगे कि भाई कोई भी बाधा नहीं आनी चाहिए, हम जो भी अवसर जो है लोगों को प्रदान करें उसमें कोई एक तो बाधा नहीं होनी चाहिए और वो क्या होना चाहिए, वो निरंतर रहना चाहिए, ठीक है, अर्थात ऐसा ना हो कि एक बार को अवसर खत्म हो गया तो हमने बाकियों को नहीं दिया, तो ऐसा नहीं, तो ये चीजें जो है निरंतर रहनी चाहिए, सदैव रहनी चाहिए, क्या साधन और अवसर लोगों को आराम से उपलब्ध किए जा सके। और इसका तात्पर्य लेखक खुद ही बताते हैं कि भाई जैसे होता है कि दूध में पानी का मिश्रण की तरह भाईचारे का भी यही अस्तित्व हो, मतलब दूध और पानी जो है एक दूसरे के अंदर कितनी तरीके से घुल मिल जाते हैं, तो ऐसे ही भाईचारा भी होना चाहिए, ठीक है, तो यही जो है भाईचारे का असली रूप है कि एक इतना एक दूसरे के अंदर घुल मिल जाओ कि कोई आपको अलग ही ना कर सके, आप अलग एक दूसरे को समझो ही ना, आप में भाईचारे का जो तत्व है वो हमेशा ही वो भाव जो है रहना चाहिए। और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है, इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र बताया है, ठीक है। लोकतंत्र क्या है, हमारा लोगों के द्वारा चुना गया तंत्र, ठीक है, लोग के द्वारा क्या चुना गया है, हमारा समाज का नेता, ठीक है, तो लोगों के द्वारा जो चुनाव किया गया, तो हमने इसको क्या कहा गया है, भाईचारा ही हमारा लोकतंत्र है। क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक ऐसी पद्धति ही नहीं है, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। तो कवि लेखक जो है वो यहाँ पे यही चीजें समझा रहे हैं कि भाई एक तो हमारा लोकतंत्र में क्या हमारे लिए होना चाहिए, भाईचारा, तभी हम लोकतंत्र खिलाएंगे जब हमारे अंदर भाईचारे का भाव होगा, ठीक है। उसके बाद लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति नहीं है, केवल शासन करने का एक तरीका नहीं बना रखा हमने, ठीक है, मतलब शासन करने की बस एक पद्धति नहीं बना रखी हमने इसको, हमारे लिए ये क्या है, इससे भी ऊपर की कोई चीज है, वो क्या है, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या है। सामूहिक अर्थात जो है हम समूह में रहकर
आप समूह में रहोगे, कोई जातिगत भेदभाव नहीं रहेगा, ठीक है। हिंदू मुस्लिम सिख है सभी की दिनचर्या होगी और सामूहिक दिनचर्या होगी सबके साथ, ठीक है। यही रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है, ठीक है। और यही लोकतंत्र क्या है, सम्मिलित अनुभव, ठीक है, समाज के सम्मिलित, हमने समाज के सारे रीति रिवाजों को, समाज को, सबको जो है एक साथ इकट्ठा कर दिया, ठीक है। हमने क्या किया है, हमारे सबके सबके अलग अलग रीति रिवाज है, वो समाज को सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान को, ठीक है, मतलब समाज के समाज में हमने सबको सम्मिलित कर दिया और उन्हीं चीजों का हम आदान प्रदान करें। भाईचारे में क्या होगा, आप सारी चीजों का आदान प्रदान करोगे, खुशियों का, दुख का, आप एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहोगे ना, तो वही चीज है। तो यहाँ हमारे रीति रिवाजों का भी हमने जो है आदान प्रदान किया है, ठीक है, रीति रीति का, समाज का, ठीक है। तो ये सब चीजें जब हम करेंगे तो ही हमारा जो लोकतंत्र है वो लोकतंत्र कहलाएगा, तभी वो सबके लिए जो है सबकी सोच पाएगा। तो ये सिर्फ कह देना कि हमारा देश लोकतंत्र है तो नहीं है, हमारे देश के अंदर ये सारी की सारी चीजें भी होनी चाहिए। ये भाईचारे का तत्व होना चाहिए, जाति प्रथा नहीं होनी चाहिए, जातिगत भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजों के लिए वो बता रहे कि सामाजिक दिनचर्या होनी चाहिए। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक दूसरे से भेदभाव नहीं करना है, हमें क्या करना है, सबको मिलजुल के करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो, हमें एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति हमारे मन में श्रद्धा का भाव होना चाहिए, मतलब हमें किसी को भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना, सबकी इज्जत करो, सबको इज्जत दो, ठीक है, सभी से जो है मिलजुल कर रहो, रीति रिवाजों का आदान प्रदान करो। जैसे यहाँ पे होता है ना कि होली है, दिवाली है, ईद है, सब लोग मिलके बना रहे हैं, तो यही चीजें हैं, यही चीजें जो है एक लोकतंत्र की जो है लोकतंत्र का निर्माण कर पाएंगे। यही लेखक की जो है कल्पना है कि उसको एक ऐसा आदर्श समाज चाहिए। इसी प्रकार स्वतंत्रता पर भी क्या कोई आपत्ति हो सकती है, क्या किसी को स्वतंत्रता पर कोई आपत्ति हो सकती है। भाई भाईचारे से किसी को आपत्ति नहीं, पहले उन्होंने बताया ना पहला वाला पॉइंट कि भाईचारे से नहीं है, अब वो स्वतंत्रता पर कहते हैं कि स्वतंत्रता से किसको आपत्ति होगी, अगर हम सबको स्वतंत्र कर रहे हैं, भाई तू भी खुश रहे मैं भी खुश रहूं, तो इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। गमनागमन की स्वाधीनता, गमनागमन अर्थात आवाजाही, ठीक है, की स्वाधीनता, हमको क्या होना चाहिए, हम स्वाधीन होने चाहिए, स्वाधीन मतलब मुझ पर मेरा अधिकार है, किस चीज का, आने जाने का, आवागमन का, कि मैं आ जा सकता हूं कहीं भी, इस चीज की आपको जो है स्वतंत्रता होनी चाहिए। जीवन जीवन तथा शारीरिक सुरक्षा की स्वतंत्रता के अर्थों में शायद ही कोई स्वतंत्रता का विरोध करे, अर्थात लेखक क्या बताते हैं, शारीरिक सुरक्षा, ऐसा नहीं किसी को पकड़ के मार दिया, तो उसके लिए क्या है, उस व्यक्ति के ऊपर उसकी शारीरिक सुरक्षा का अधिकार होना चाहिए, ठीक है। तो इस स्वतंत्रता का क्या कोई विरोध करना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो लेखक क्या बताना चाहते हैं कि इसके विरोध में भी कोई नहीं हो सकता, मतलब जो बातें मैं रख रहा हूँ एक आदर्श समाज की, इसमें गलत क्या है, हम सबको अपनी सुरक्षा करने का अधिकार होना चाहिए, हमको कहीं पे भी आने जाने का अधिकार होना चाहिए, तो इसके विरोध में तो कोई भी चीज नहीं हो सकती, कोई क्यों इसका विरोध करेगा। इसी प्रकार संपत्ति के अधिकार, इसी प्रकार संपत्ति के अधिकार, जीविकोपार्जन के लिए आवश्यक औजार व सामग्री रखने आदि, जिससे शरीर को स्वस्थ रखा जा सके, के अर्थ में स्वतंत्रता पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती, ठीक है। अर्थात हम क्या कर रहे हैं, हम मेरे को मेरी संपत्ति रखने का अधिकार है, ये नहीं कि सरकार आए कि भाई तूने इतना पैसे क्यों रख रखा है, तू मुझे दे दे, तो ऐसा नहीं। या फिर ऊंची जाति का बंदा कहेगा आपको कि भाई तू तो निम्न जाति का है, तू मेरे को दे दे, तो ऐसा नहीं कहना चाहते। तो लेखक क्या कहना चाहते, संपत्ति के अधिकार, मतलब मेरी संपत्ति मैंने बनाई है, वो उस पर मेरा ही अधिकार होगा। जीविकोपार्जन के लिए, मतलब जीने के लिए, आप अपने पेट को पालने के लिए क्या करते हो, आप किसी तरीके के काम करते हो, तो उसके लिए आपके पास क्या है, औजार व सामग्री रखने के अधिकार, जिससे शरीर को स्वस्थ रखा जा सके, ठीक है। आप क्या करोगे, आप कोई भी काम करते हो, ठीक है, उस काम को करने के लिए आपको कुछ सामग्री की जरूरत है, ठीक है, आपको कुछ औजारों की जरूरत है। मान लो आपने एक होटल खोला हुआ है, छोटा सा ढाबा खोला हुआ, तो उस ढाबे के अंदर आपको किन चीजों की आवश्यकता होगी, खाने पीने के सामान की आवश्यकता होगी, आपको सब्जियों की आवश्यकता होगी, ठीक है, आपको चूल्हे की आवश्यकता होगी, आपके बर्तनों की आवश्यकता होगी, तो वो सारी चीजें रखने की आपको स्वतंत्रता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई होटल ढाबे का काम तो सिर्फ मेरा ही था, तो मैं ही करूंगा, तो तू क्यों कर रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। तो लोगों को जो है, आपको क्या है, जीविकोपार्जन के लिए आपको औजार और सामग्री का जो है अधिकार होना चाहिए, जिसके कारण क्या है, आपका शरीर स्वस्थ रखा जा सकता है, अर्थात आपने अपने जीने के लिए, ठीक है,
घर में फल सब्जियां रखी हुई हैं तो इसका आपको अधिकार है, आप रखो। पुराने समय में क्या होता था, जाति प्रथा ही सबसे बड़ी, सच में बहुत बड़ी कमी है, जिसके कारण जो है सब लोग ये नहीं, सब लोगों के लिए ये सब चीज़ें जो है रुचिकर नहीं होती थी। जैसे मंदिरों में नहीं आना जाना, खाने पीने की चीज़ों पर जो है रोक टोक लगाना, पानी पर रोक टोक लगाना। तो इसलिए ये वाला पॉइंट यहाँ पर जो है लेखक ने कहा है कि क्यों आप जो है स्वस्थ रखने के लिए आपको जो है ऐसी सामग्रियों की भी आवश्यकता होनी चाहिए, कामकाज के लिए आपको औजारों की भी, औजार भी रखने के लिए आपको जरूरी है। ठीक है, जैसे एक मोची है, अगर मोची जो है अपने पास वो टूल्स नहीं रखेगा जिससे वो जूता जो है ठीक कर सकता है, तो फिर क्या क्या वो काम करेगा। ठीक है, खाने पीने की चीजें जो है आप रख सकते हो, इस पे सभी का अधिकार होना चाहिए, केवल एक जाति का नहीं होना चाहिए। के अर्थ में स्वतंत्रता पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती, अर्थात आप लेखक बताते हैं कि भाई ये जो सारी की सारी बातें मैं कह रहा हूं तो इस पे मुझे नहीं लगता कि किसी को इस पे कोई आपत्ति होनी चाहिए, किसी को आपत्ति होने का अर्थ आप इसके विरोध में ना खड़े रहें। ठीक है, मतलब आप ये बात मानो कि भाई सबकी जरूरत है, ये तो सबके पास होने चाहिए ये सारी चीजें। तो आपको खाने का अधिकार है, आपको जो खाना चाहिए आपको रखना है अपने घर में, अपने आप जो कामकाज करें उसके लिए आप औजार रखो। ठीक है, आपको अपने शरीर को अगर जो है सुरक्षा प्रदान करनी है, आप खुद को बचाना चाहते हो तो आप बचाओ, इसका आपके ऊपर अधिकार है, आप इसके लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र, आपको कहीं आना जाना है तो आप जाओ। तो इस तरीके की स्वतंत्रता की लेखक बात करते हैं कि ये स्वतंत्रता अगर सबको मिल जाए तो इसमें गलत किसके साथ हो रहा है, किसी के साथ भी नहीं हो रहा। आपको क्या पड़ी है कि उसको अधिकार दो, उसको ये अधिकार मत दो, ये अधिकार तो सिर्फ मेरा है। अधिकार स्वतंत्रता सबके लिए समान है। तो फिर मनुष्य की शक्ति, सक्षम एवं प्रभावशाली प्रयोग की भी स्वतंत्रता क्यों ना प्रदान की जाए। अर्थात व्यक्ति में क्या है, मनुष्य में शक्ति है किसी भी कार्य को करने के लिए, वो शक्ति उसके अंदर शक्ति है, सक्षम है, वो शक्तिशाली है किसी कार्य को करने के लिए। ठीक है, और प्रभावशाली प्रयोग की भी स्वतंत्रता क्यों ना प्रदान की जाए। मतलब लेखक बता रहे हैं कि भाई उसके अंदर जिस कार्य को करने की शक्ति है, हमें उसको उस चीज को उस कार्य को करने की स्वतंत्रता देनी चाहिए। और यही जो है एवं प्रभावशाली प्रयोग की भी, प्रभावशाली प्रयोग आप करो भाई, आपके अंदर शक्ति है, आप हिम्मत रखते हो किसी कार्य को करने की। ठीक है, अगर एक लकड़हारा है, ठीक है, और वो कहता है कि भाई मैं पेड़ को खुद काट के ले आऊंगा और काम कर लूंगा, तो भाई तू काट ले और कर ले काम। मतलब ये मैंने एक उदाहरण दिया है सिर्फ कि आप अगर ये काम कर सकते हो तो आप करो, आपको उसकी पूरी तरीके से स्वतंत्रता है। अब लकड़ी वाले को अगर मान लो लकड़ियां मिल गई, ठीक है, लकड़हारे को लकड़ियां मिल गई, अब वो चाहता है कि मैं कोई चीज बना दूं। ठीक है, मैं क्या करूं, मैं इस लकड़ियां जो काट के लाए हूं, लकड़ियां आखिरकार के किस काम में आती थी पहले, केवल चूल्हा जलाने के। ठीक है, तो क्या है कि अभी इस लकड़ी से अगर वो कुछ बनाना चाहता है तो भाई लकड़ी तेरे पास है तू बना ले, ये थोड़ी कि कोई दूसरा ऊंची जाति का बंदा आएगा और वो ये बोलेगा कि भाई तुमने जो है इसकी कुर्सी क्यों बना के रख ली, तुम तो निम्न वर्ग के हो, तुम कुर्सी पे नहीं बैठ सकते, तुमको तो जमीन दे रखी हमने तो तुम जमीन पे रहो, तो ऐसा नहीं है। तो यही लेखक बताते हैं कि भाई आपके अंदर शक्ति है किसी कार्य को करने की और आप उसको प्रभावशाली ढंग से उसको प्रस्तुत कर सकते हो, आप कर सकते हो अपने लिए, तो आपको उसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए, तो हमें आपको देनी चाहिए। तो ऐसे एक आदर्श समाज की कल्पना जो है लेखक कर रहे हैं। जाति प्रथा के पोषक जीवन, शारीरिक सुरक्षा तथा संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता को तो स्वीकार कर लेंगे, परंतु मनुष्य के सक्षम एवं प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता देने के लिए जल्दी तैयार नहीं होंगे। अब लेखक यहाँ पे क्या कर रहे हैं, व्यंग्य कर रहे हैं। ठीक है, किस पर व्यंग्य कर रहे हैं लेखक, यहाँ पर व्यंग्य कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं किसके ऊपर, जाति प्रथा के पोषक। जो जाति प्रथा के पोषक कौन है, जाति प्रथा को बढ़ावा देने वाले, ठीक है, जाति प्रथा को बढ़ावा देने वाले जो लोग हैं वो उनके विषय में बता रहे हैं कि जीवन, शारीरिक सुरक्षा, संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता को तो वो स्वीकार कर लेंगे, परंतु मनुष्य के सक्षम प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता देने के लिए वो तैयार नहीं होंगे। ठीक है, वो क्या बताते हैं कि मनुष्य के सक्षम एवं प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता देने के लिए वो हर चीज के लिए तैयार हो जाएंगे। उनको जीवन दे दिया, दे दो, शरीर की सुरक्षा करनी है कर लो, संपत्ति रखनी तुम्हें रख लो, ठीक है, पर वो क्या करेंगे कि तुम्हारे अंदर जितनी शक्ति है उस शक्ति के आधार पर तुम कोई प्रभावशाली कार्य कर लो, इसकी स्वतंत्रता जो है जाति प्रथा के जो पोषक है, जो जाति प्रथा को बढ़ावा देते हैं वो नहीं देंगे। क्यों, अब देखो जाति के आधार पर क्या हुआ, जाति के आधार पर जब हमको समाज में बांटा गया तो आप क्या है, मंदिर नहीं जाओगे, ठीक है, आप अनपढ़ रहोगे, ये चीज हो गई। और दूसरी चीज आ जाती है आपका काम, ठीक है, तो आप क्या करोगे, पुश्तैनी काम अपनाओ। कारण क्या है कि भाई जाति प्रथा अगर पढ़ लिख लेगी तो क्या होगा कि वो भी तो पंडित बन जाएगी और मंदिर में जाना आना क्या होगा, आपका मंदिर में जाना आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपके अंदर किसी भाई
एक जाति में, मान लो निम्न जाति में कोई पैदा हुआ, तो ये जरूर तो नहीं कि वो पढ़ लिख नहीं सकता। पढ़ना लिखना ब्राह्मण को भी कैसे आया, उसको पढ़ाया लिखाया गया तभी तो उसको पढ़ना आ गया, या वो ऊपर से सीख कर ही आया था पढ़ना लिखना, ठीक है। अब अगर वो पढ़ लिख जाएगा तो क्या करेगा वो भी तो ब्राह्मणों के समान हो जाएगा, वो भी मंदिर में बैठेंगे, वो भी जो है पूजा पाठ करेंगे, तो उन दोनों में कोई क्या हो जाएगा, बराबरी हो जाएगी। तो ये बराबरी तो हमें सहनी नहीं है। आप पुश्तैनी काम करोगे, अब अगर मोची का बालक है तो मोची का ही काम करेगा वो, क्यों करेगा, क्योंकि भाई ये तेरा पुश्तैनी काम है। और अगर एक जूते वाले का बच्चा, मतलब एक जूता जूते चप्पल ठीक करने वाले का बच्चा अगर ब्राह्मण के साथ जाके बैठ जाए तो वो उनके लिए क्या हो जाएगा, उसके उसके मान में जो है ठेस पहुंचेगी, ठीक है। तो इसलिए जो है लेखक बताते हैं कि भाई इसलिए जाति प्रथा जो है, जो जाति प्रथा के जो पोषक है उनको इन सारी चीजों में हास होगा, उनका नुकसान होगा, इसलिए वो सबसे पहले ये करेंगे कि सक्षम प्रभावशाली प्रयोग को स्वतंत्रता वो नहीं देंगे। देखो अगर कोई 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 निम्न जाति वर्ग का बालक जो है पढ़ लिख गया, ठीक है, वो एक अच्छी नौकरी उसने पा ली, तो क्या होगा, अन्य जो पढ़े लिखे जाति के वाले लोग हैं, उच्च वर्ग के जो लोग हैं, उन वर्ग के लोगों के साथ वो बैठकर नौकरी करेगा, ये बात उनको क्या बर्दाश्त होगी, नहीं होगी। ऐसे तो क्या हो जाएगा कि हम ऊपर नहीं रह पाएंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमें ही केवल ऊपर रहने दो, हमसे ऊपर आप मत चढ़ो। जनता क्या है, ठीक है, क्या चाहती है ये जनता, जो ये अमीरी और गरीबी के चक्करों में फंस गया है, ये भी कैसे फंसा, ये जाति प्रथा के चक्कर में तो फंस गया ना, शुरू से ही हमने क्यों रखा है ऊपर से ऊपर बढ़ना, ऊपर से ऊपर बढ़ना। तो क्या होगा कि जाति प्रथा है कि उच्च वर्ग वाला ऊंचा ऊपर बढ़ता रहेगा, निम्न वर्ग वाला जो है बेचारा वो दबता रह जाएगा। तो अगर निम्न वर्ग वाला आगे बढ़ेगा, जब हम उसके हाथ पैर ही हम यहाँ पे इस तरीके से काट देंगे, तो फिर वो आगे बढ़ेगा ही कैसे, वो नहीं बढ़ेगा, और ऊपर वाला ऊपर ही रह जाएगा, उच्च वर्ग वाला तो ऊपर ही रह गया ना, हर लहजे में वो अलग रह गया, पढ़ लिख वो गया, समाज में इज्जत और मान का ठेकेदारी वो बैठ गया, ठीक है, तो फिर ये निम्न वर्ग वाले बेचारे कहाँ बढ़ पाएंगे। तो इसलिए वो कहते हैं कि जो जाति प्रथा को अपना हथियार बनाते हैं, जो जाति प्रथा को बढ़ावा देते हैं, वो लोग कभी भी इसके जो है पक्ष में नहीं होंगे कि जो है आप एक सक्षम और प्रभावशाली जो भी मनुष्य की आपकी जो योग्यता, आप में अगर शक्ति किसी कार्य को करने की, तो वो उसके आधार पे आपको काम नहीं करने देंगे। क्यों, क्योंकि अगर आपने इस चीज को बढ़ावा दे दिया, अगर आपने सक्षमता को और प्रभावशाली प्रयोगों को अगर आप बढ़ावा दे दोगे, लोगों को इस चीज की स्वतंत्रता दे दोगे, तो ये सारी चीजें मायने ही नहीं रखेगी। सबसे बड़ी बात है कि उनको अशिक्षित रखना, उनको शिक्षा ना देना, उन तक शिक्षा ना पहुंचे। अगर वो शिक्षा पहुंच गई तो हमसे आगे पहुंच जाएंगे। देखो दिमाग तो सभी रखते हैं ना, बस बात यह है कि आपने अपना दिमाग वहीं तक सीमित कर लिया। आप पुश्तैनी काम कर रहे थे तो आपने अपने आप को वहीं वहीं सीमित कर लिया। ये तो कोई भी बात नहीं कहती कि अगर भाई आप कुम्हार हो तो आप कुम्हार ही रहोगे जीवन भर, आप पढ़ लिख के कुछ और काम भी कर सकते हो, तो ऐसा किया जा सकता है। तो लेखक जो है साफ बता देते हैं कि भाई ये जो है यहाँ पर ये इस चीज को स्वीकृति नहीं देंगे, कारण मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इस प्रकार की स्वतंत्रता का अर्थ होगा अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता किसी को नहीं होगी, किसी को नहीं है, तो उसका अर्थ उसे दास्ता में जोड़कर रखना होगा, ठीक है। दास्ता अर्थात उसको, अगर आपने व्यवसाय को चुनने की स्वतंत्रता दे दी, अभी आप इस सारी चीजों को भूल जाओ, ठीक है, अभी आप क्या बात करते हैं, हम सीधा केवल व्यवसाय की बात करते हैं, पुश्तैनी काम की, ठीक है। अगर आपको मैंने स्वतंत्रता दे दी कि आप अपना काम करो, आपको जो काम करना है वो काम का आप करो, पुश्तैनी कामों से आप हट जाओ, हमने इसको काट दिया, ठीक है, अब क्या होगा, अगर हम इसको काट देंगे तो हमारा दास बन के कौन रहेगा, हम शासक किस पे करेंगे, हम शासन किस पे करेंगे, निम्न वर्ग वालों पे तो शासन करेंगे, क्यों कर पाएंगे, क्योंकि हमने जाति के आधार पे जो है वर्गों को बांट रखा है, जाति है यहाँ पे सारे में, जाति प्रथा है हर जगह, और अगर ये पुश्तैनी काम को छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे तो हम किस पर शासन करेंगे, और ये दासवादी जो सभ्यता है, हमने जो उनको दास बना रखा है, तो ये दासता कहाँ जाएगी, तो इसको जकड़ कर रखना होगा, क्योंकि दास्ता केवल कानूनी पराधीनता को ही नहीं कहा जा सकता, दास्ता में वह स्थिति भी सम्मिलित है जिससे कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों के द्वारा निर्धारित व्यवहार एवं कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। तो सीधी बात यही आ जाती है कि हम क्यों इसका पक्ष कर रहे हैं, ये जाति प्रथा वाले क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाई अगर अगर जो है समाज से दास्ता का शब्द ही चला गया, दास्ता ही चली गया, आपने आपको नौकर कहाँ मिलेगा, आपको क्या करना है, आपको उसके ऊपर हुक्म चलाना है, आपका व्यवहार क्या है, आपका कर्तव्य क्या है, कि आपको क्या करना है, उसको जो है मजबूर कर देना इस तरीके से कि आप दासी बन के रहो, इतना उसको जलील कर दिया जाता है कि वो बेचारा उसके आगे को सोच ही नहीं पाएगा। तो इन चीजों को खत्म करने कर कर ही जो है एक आदर्श समाज की जो है कल्पना की जा सकती है, एक आदर्श समाज जो है बनाया जा सकता है, परंतु लेखक को पता है कि हाँ ये जो जाति प्रथा के जो पोषक हैं ये इस बात को नहीं भी कभी भी बढ़ावा नहीं करने देंगे। यह स्थिति कानून पराधीनता ना होने पर पाई पाई जा सकती।
लेखक बताते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि मतलब कानून के आधार पर ही जो लिया जाए, मतलब ये जो अधीनता है वो क्या है, पराधीनता का अर्थ क्या होगा कि जो दूसरों पर जो है, जो दूसरों पर निर्भर रहे, ठीक है। तो ये क्या है, शासक ने क्या कर रखा है, दास को अपने ऊपर ही तो निर्भर कर रखा है, जो जैसा हम कह रहे हैं वैसा करो, क्योंकि मैं तो उच्च जाति का हूँ, मैं शासक हूँ, मैं तुम पे जो है राज करूंगा, ठीक है। पर लेखक बताते कि नहीं भाई, ऐसा जो है कि कानून का सहायता लिए बिना भी हम ऐसा कर सकते हैं, बशर्ते आपके अंदर वो भाव होना चाहिए बस। उदाहरण देते हुए लेखक बताते हैं कि जाति प्रथा की तरह ऐसे वर्ग होना संभव है जहां कुछ लोगों की अपनी इच्छा के विरुद्ध पेशे अपनाने पड़े। देखो, जाति प्रथा के भी कुछ वर्ग है ना, किस तरीके के वर्ग, जो एक तो है जो जाति प्रथा को बढ़ावा देते हैं, एक जो है जो वर्ग क्या कहता है कि जाति प्रथा को रोकता है, ठीक है। अगर आपने जो है पढ़ा हो, ज्योतिबा फुले का नाम सुना हो, तो वो खुद ब्राह्मण थे, परंतु वो निम्न निम्न वर्ग के लोगों को बढ़ावा देते थे, ठीक है, इसलिए ब्राह्मण वर्ग ने उनको जो है बाहर निकाल दिया था। तो अब क्या है, ऐसे ही वो क्या हो गए, वो जाति प्रथा के विरोधी तो हो गए, उन्होंने जात पात को नहीं माना, ठीक है। तो ऐसे वो ये बता रहे कि अगर जाति पात के दो वर्ग हो सकते हैं, तो इसमें भी ऐसे भी तो वर्ग हो सकते हैं ना, कि जो जो क्या समझ सके। हाँ जहां कुछ लोग अपनी इच्छा के विरुद्ध पेशे को अपनाने पड़ते हैं, ठीक है, इच्छा के विरुद्ध मतलब जहां कुछ लोग अपनी इच्छा के विरुद्ध पेशे को अपनाने पड़ते हैं, मतलब आपने जो है, जब जब आप पुश्तैनी काम में हो, तो आपसे आपकी इच्छा पूछी गई, नहीं पूछी गई ना, तो आप क्या कर रहे हो, आप अपनी इच्छा के विरुद्ध ही उसको जो है अपना रहे हो। जाति प्रथा में आप रहना नहीं चाहते, ठीक है, जाति प्रथा में आप रहना नहीं चाहते, पर आपको रहना पड़ता है, आप जाति प्रथा के विरुद्ध हो, परंतु आपको रहना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आप असहाय हो, कोई आपके हितकारी है, आपके जो शासक है वो इतना बड़ा रावण है कि आप उसे उसका सामना नहीं कर सकते, तो आप क्या करोगे, आपको वहीं टिक के रहना पड़ेगा। ऐसे ही कवि जो है व्यंग्य शैली में बता रहे हैं कि भाई यहाँ पर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो उसके विरुद्ध जाना चाहते हैं, परंतु वो क्या करे, वो मजबूर है, वो उसके विरुद्ध पेशे को अपना ही, अपनी इच्छा के विरुद्ध जो है पेशे को उनको अपनाना पड़ता है, मतलब वो जिस कार्य को करना चाहते हैं वो उस कार्य को ना करके उस पेशे को अपना लेते हैं जिस पेशे में वो इंटरेस्टेड नहीं है, उनको वो काम करना पड़ता है, क्यों, क्योंकि वो लड़ नहीं सकते, वो बोल नहीं सकते, या कई बार तो क्या होता है, देखो बेटा आज भी कई जगह ऐसी है जहां पे लोगों को अपने अधिकारों का ही नहीं पता, ठीक है, जबकि मौलिक अधिकार तो सबके हैं भाई, परंतु लोगों को जब पता ही नहीं तो वो लड़े भी तो किससे लड़े, और फिर जो राक्षस जो शासक बना बैठा उस राक्षस से लड़ेगा कौन, लड़ने की भी तो हिम्मत होनी चाहिए। अब आइए समता पर विचार करें, ठीक है, अभी लेखक ने दो चीजें बता दी, समानता के बारे में बताया, भाईचारे के बारे में बताया, ठीक है, पेशे के बारे में बताया, अभी आते हैं समानता के बारे में, समता पर विचार करें, क्या समता पर किसी की आपत्ति हो सकती है, क्या समता पर किसी की आपत्ति हो सकती है, लेखक जो है प्रश्न करें, समता अर्थात समानता, क्या समानता पर किसी को आपत्ति होगी, क्यों होगी भाई, तुम भी खुश रहो मैं भी खुश रहूं, सब लोग मिलजुल के जब रहेंगे तो ऊंच नीच का कोई भाव ही नहीं रहेगा, तो सभी समान हो गए, कामकाज को चुनने में हम समान हो गए, ठीक है, जातिगत भेदभाव खत्म हो जाएगा, पढ़ाई लिखाई जो है वो सबके लिए समान हो जाएगी, स्कूलों के लिए सबके सबके द्वार खोल दिए जाएंगे, तो इस तरीके की वो बात करते हैं, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति के नारे में समता शब्द ही विवाद का विषय रहा है, ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति में, फ्रांसीसी क्रांति क्या थी, 1789 में क्या हुआ था कि लोगों ने जो है क्या किया था कि जो ये राजा महाराजा जो है ना चलते आ रहे हैं बहुत समय से, तो राजा शाही जो थी उसको खत्म करने के लिए क्रांति चलाई गई थी, तो उसमें जो है समता शब्द आ गया था, शब्द पर ही विवाद किया गया था। समता के आलोचक कहते हैं कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते, समता के आलोचक, समता को जो समानता को नहीं मानते, ठीक है, जो समानता के आलोचक हैं, जो उसके विरुद्ध में बोल रहे हैं, जो उसके विरोधी हैं समता के, हम नहीं चाहते कि भाई समान लोग हो, ठीक है, तो वो क्या चाहते हैं कि भाई मनुष्य बराबर नहीं होते, और उनका यह तर्क वजन भी रखना है, लेकिन तथ्य होते हुए भी यह विशेष महत्व नहीं रखता, यह तर्क वजन तो रखता है, बात तो है भाई सब मनुष्य बराबर तो नहीं होते, कैसे होता है, कोई हट्टा कट्टा होता है, कोई किसी जाति का है, सरदार लोगों का एक अलग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, तो ये चीजें वो बता रहे कि भाई बात तुम्हारी वजन तो रखती है, परंतु कोई विशेष महत्व इसमें नहीं है, जिस तरीके, क्योंकि इस चीज को बढ़ावा देके आप क्या कह रहे हो कि ऊपरी चीजों को आप देख देख के कहते हो कि भाई इसमें कोई बराबरी की बात ही नहीं होती, तुम्हारा धर्म अलग है हमारा धर्म अलग है, सब अपने अपने धर्म के बैठे हैं, सब देखने में अलग लग रहे हैं, सबका पहनावा अलग है, तो फिर मैं उसको बराबर क्यों मानूं, तो मनुष्य तो क्या है, तो लेखक बोलते हैं कि हाँ इस बात में वजन तो है, परंतु कोई विशेष महत्व नहीं रखता, ये क्यों नहीं रखता, क्योंकि ये विकास में बाधा है, क्योंकि शाब्दिक अर्थ में समानता असंभव होते हुए भी नियामक सिद्धांत है, नियामक अर्थात अर्थात नियम बनाने वाला सिद्धांत है ये, फिर भी क्यों,
कि मनुष्य की क्षमता तीन बातों पर निर्भर करती है, शारीरिक वंश परंपरा पर, सामाजिक उत्तराधिकारी अर्थात सामाजिक परंपरा के रूप में, माता पिता की कल्याण कामना, शिक्षा, वैज्ञानिक ज्ञानार्जन आदि। अब क्या बताया कि मनुष्य की क्षमता किन चीजों पर निर्भर करती है, मनुष्य की क्षमता, मनुष्य क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, किस बातों पर निर्भर करता है, शारीरिक वंश परंपरा। शारीरिक वंश परंपरा मतलब आपका जो शारीरिक ढांचा है वो कैसा है, वो वांशिक परंपरा के आधार पर ही होता है, ठीक है ना। आप जिस वंश के हो तो आपका जो है शरीर की जो बनावट हो वैसी होगी। आप राजस्थानी को देखो, एक अलग स्ट्रक्चर होता है लोगों का। तो एक आप समझो इस चीज को कि पंजाबी है, सरदार है, उनका एक रहने रहने का एक अलग तरीका हो गया, ठीक है। सामाजिक उत्तराधिकारी या सामाजिक परंपरा, हमारे सबके सामाजिक एक परंपरा अलग है, हर अलग लेके एक धर्म की, ठीक है, पर है तो सब मनुष्य ना। सबसे बड़ी बात हर चीज के अंदर ये आएगी कि है हम सब मनुष्य, पर भले हम शारीरिक वंश अलग हो, हमारा सामाजिक जो परंपरा है वो अलग हो, माता पिता की कल्याण कामना अलग हो, शिक्षा है, वैज्ञानिक ज्ञानार्जन है, ज्ञानार्जन अर्थात हमने ज्ञान को पा लिया, ज्ञान को अर्जित कर लिया, ठीक है। तो आदि सभी उपलब्धियां जिसके कारण सभ्य समाज जंगली लोगों की अपेक्षा विशिष्टता प्राप्त करता है। अब ये सारी की सारी चीजें जिसको मिलेंगी तो भाई वो तो व्यक्ति बन गया ना सभ्य, वो तो हमारे लिए अच्छा हो गया, ठीक है। हम क्या मानेंगे कि जिसके अंदर जो है शारीरिक परंपरा है भाई, ठीक है भाई, अपने वंश को भी लेकर चल रहा है, सामाजिक परंपरा भी आती है, माता पिता कल्याण कामना आती है, सबसे बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आते हैं, शिक्षा और वैज्ञानिक ज्ञानार्जन, ये सारी की सारी चीजें जब आती है तब क्या होता है कि सभ्य समाज जंगली लोगों की अपेक्षा विशिष्टता प्राप्त करता है, तभी वो जो है एक स्पेशल और एक अच्छा जो है समाज बन पाता है। कब? जब उसमें ये सारी की सारी चीजें होती है। पर ये सारी की सारी चीजें किसको मिलती है? केवल उच्च वर्ग को। तो हमें केवल उच्च वर्ग को आगे नहीं बढ़ाना है। मैं लेखक ने स्टार्टिंग में कहा था ना कि भाई मेरे को देश के सिर्फ केवल एक कोने को नहीं आगे बढ़ाना है, मेरे को एक कोने से उस सारी की सारी चीजों को दूसरे कोने तक भी लेकर आना है। तो लेखक इस बात की ओर ध्यान देते हैं। तो क्या इन विशेष और अंत में मनुष्य के अपने प्रयास वो क्या है? तो ये सारी की सारी चीजें मिलकर ही क्या करती है, एक व्यक्ति को एक सभ्य इंसान बनाती है, एक अच्छा इंसान बनाती है, एक अच्छी सीख वाला जो है बुद्धिजीवी वर्ग बनाती है, ठीक है, बुद्धिजीवी व्यक्ति उसको बनाती है। कैसे? जब उसमें ये सारी की सारी चीजें विद्यमान हो। पर ये सारी की सारी चीजें हम किसको दे सकते हैं? केवल उच्च वर्ग को दे रहे हैं। पर अगर यही चीजें निम्न वर्ग में भी आ जाए तो सोचो देश का कितना ज्यादा उद्धार होगा, ठीक है। तो अंत में मनुष्य का प्रयत्न भी इस चीज के ऊपर मैटर करता है कि आप कितने सभ्य बन पाओगे, आपके अपने प्रयासों पर भी निर्भर करता है। इन तीनों दृष्टि से निसंदेह मनुष्य समान नहीं होते। अब लेखक बताते हैं कि भाई ये जो तीन दृष्टियां मैंने आपको बता दी, पहला शारीरिक वंश परंपरा, सामाजिक उत्तराधिकारी, ये पूरे का पूरा पॉइंट एक ही है, ठीक है। उसके बाद अंत में बताते हैं वो कि मनुष्य के अपने प्रयास। तो ये जो हमारे ये तीन पॉइंट लेखक ने बताए हैं, इन तीनों में कोई भी संदेह नहीं है कि मनुष्य समान नहीं है। मतलब मैं इसमें कोई शक नहीं कर रहा कि इन सारी चीजों के आधार पर अगर देखा जाए तो हाँ, मुझे पता है मनुष्य अलग है। भाई कोई तो पढ़ा ही नहीं, स्कूल ही नहीं गया, और एक जो है वो PhD करके पहुंच गया, आगे निकल गया, तो वो क्या है? दोनों को मैं समान तो नहीं मान सकता। मानता हूं कि अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को देखूं, अगर इन तीन तथ्यों को देखूं, तो इससे क्या होता है कि हाँ, मनुष्य जो है वो एक सा नहीं है। पर तो क्या इस विशेषताओं के कारण समाज को भी उनके साथ असमान व्यवहार करना चाहिए? लेखक कहते हैं कि चलो भाई, ये सारी चीजें ठीक है भाई, पुरानी थी, पर क्या समाज भी उनके साथ इस तरीके का असमान व्यवहार करे? तो किस किस बात का समान? जब आप ऊंचता नीचता को आप बढ़ावा दे रहे हो तो आप किस तरीके के एक अच्छे समाज कहलाओगे? आप नहीं कहलाओगे। अगर ये कमियां हैं तो ठीक है ना, पर आप तो कम से कम एक समान व्यवहार रखो सबके साथ। समता विरोध करने वालों के पास इसका क्या जवाब है? समानता का विरोध करने वाले जो हैं, ठीक है, जो इसको बढ़ावा नहीं, जो इसके आलोचक बताए ना लेखक ने, तो वो बताते हैं कि भाई ये जो हैं वो क्या कर रहे हैं, इनके पास इसका क्या जवाब है? क्या एक अच्छा समाज सबके लिए अच्छा समाज नहीं बन सकता? जो समाज हमारे को ऊंच नीच में फंसा रहा है, क्या वो सवाल सबके लिए समान नहीं हो सकता? और इन सारी दृष्टियों से तो हम मानते हैं कि भाई ये असमानता तो है, परंतु फिर भी क्या समाज को ये शोभा देता है कि वो उसके साथ असमान व्यवहार करे? ये सारी चीजें कम है। मान लो कोई अनपढ़ है तो आपका ये हक तो नहीं बनता कि आप उसको जलील करो, आप उसको उसकी इज्जत ना करो? तो यही प्रश्न जो है लेखक करते हैं।
व्यक्ति विशेष के दृष्टिकोण से असमान प्रयत्न के कारण असमान व्यवहार को अनुचित नहीं कहा जा सकता। असमान प्रयत्न के कारण, असमान प्रयत्न क्या है? आपने किसी के साथ जो जो भी आप जिस तरीके का आप प्रयास कर रहे हो, ठीक है, असमान, आपके जो प्रयत्न थे वो अलग अलग थे, उनमें कोई समानता नहीं थी, तो असमान व्यवहार को अनुचित नहीं कहा जा सकता। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता विकास करने का पूरा प्रोत्साहन देना सर्वथा उचित है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता और विकास के कारण पूरा प्रोत्साहन देना सर्वथा उचित है। तो लेखक इस बात में कुछ गलत नहीं मानते कि भाई हमें जो है सबको समान क्षमता, उसकी क्षमता के आधार पर, ठीक है, क्षमता का विकास करने का पूरा प्रोत्साहन देना चाहिए, हमें उसका पूरा सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है, उसको उसको बढ़ावा देना चाहिए, प्रोत्साहित करना अर्थात उसे बढ़ावा देना, हम उसे बढ़ावा दें, क्यों ना दें, क्योंकि भाई अगर उसके अंदर क्षमता है तो हम क्यों उसे रोकें, हमें नहीं रोकना चाहिए उसे, मतलब समाज को नहीं रोकना चाहिए उसे, ठीक है। परंतु यदि मनुष्य प्रथम दो बातों में समान है तो क्या इस आधार पर उनके साथ भिन्न व्यवहार उचित है? अगर हम कह दें कि पहली दो बातें जो जो ऊपर तीन बातें बताई गई थी ना, उनमें से वो कहते हैं कि अगर पहली दो बातें समान है, क्या फिर भी उसके साथ जो है हम भिन्नता का व्यवहार करें, क्या ये उचित है? गलत है ना, क्यों हम उसे उचित माने? अगर कोई शिक्षित नहीं है, किसी की कोई शारीरिक वंशता जो उसमें बताई गई है अगर उसके कारण वो कुछ अलग है, तो हम एक अच्छे समाज के जो ठेकेदार बने बैठे हैं, क्या ये हमारे लिए उचित है कि हम उसके साथ भेदभाव करें? कैसे कर सकते हैं? कोई अगर जन्म से ही ऐसा है तो हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, बट ऊपर से जो हम चीजों में अच्छा उसके साथ अगर कर सकते हैं, अगर उसमें क्षमता है वो कार्य को करने की, तो हम उसे क्यों रोकें? उत्तम व्यवहार के हक की प्रतियोगिता में वे लोग निश्चित ही बाजी मार ले जाएंगे जिन्हें उत्तम कुल शिक्षा, पारिवारिक ख्याति, पैतृक संपदा, व्यवसायिक प्रतिष्ठा का लाभ प्राप्त हो। अर्थात लेखक क्या बता रहे हैं कि भाई उत्तम व्यवहार का हक किसको मिलेगा, मतलब सम्मान का हक किसको मिलेगा, जिसके पास क्या है, जिसके पास जो है कुल है, एक अच्छे कुल का नाम है, उसके पास शिक्षा है, उसके पास पारिवारिक ख्याति है, पहले ही उसको सब कुछ मिल गया, पैतृक संपदा है, ठीक है, उसको जो धन दौलत है वो भी मिल गई, ऐसे ही मिल गई क्योंकि भाई आपके जो है पूर्वज थे अच्छे खासे, ठीक है, व्यवसायिक प्रतिष्ठा का लाभ प्राप्त अपने आप ही हो जाएगा, भाई तुम्हारा नाम है, अरे भाई तुम इतने बड़े आदमी के बेटे हो, चलो भाई कोई बात नहीं, तुम यहाँ पर हो, ठीक है, उसको पढ़ाई लिखाई में की भी वो मिल गई, उसका घर बार उसको अच्छा मिल गया। अब भाई जिसको ना तो पुश्तैनी कोई चीज मिली, ना उसे शिक्षा मिली, उसके साथ तुम किस हक से जो है भेदभाव कर रहे हो? एक तो भाई सोने का चम्मच लेके मुंह में पैदा हो गया और एक के पास तो कुछ नहीं है, फिर तुम किस चीज की समानता की बात कर रहे हो? तो उनको भी तो आगे बढ़ावा मिलना चाहिए, तो इस तरीके से हम उसके साथ व्यवहार में क्यों परिवर्तन करें? क्योंकि जन्म जिसको जहां पर जन्म मिला है वो हमारे हाथ में नहीं, वो ईश्वर ने कर दिया, किसी को अमीर बना दिया, अमीर घर में पैदा किया तो किसी को गरीब घर में किया, परंतु एक इंसान होने के नाते हम कैसे उनको रोक सकते हैं आगे बढ़ने से? इस प्रकार पूर्व सुविधा संपन्नों को ही उत्तम व्यवहार का हकदार माना जाना वास्तव में निष्पक्ष निर्णय नहीं कहा जा सकता, अर्थात किसी एक के पक्ष में निर्णय ही हो गया, निष्पक्ष का अर्थ हो गया जो किसी के पक्ष में ना हो, तो ये इसको हम किसी के पक्ष का निर्णय नहीं मतलब ये जो ये बात है निष्पक्ष निर्णय हम इसको नहीं कहेंगे, अर्थात निष्पक्ष का अर्थ होगा कि वो किसी के हित में ना हो, ठीक है, मतलब वो केवल एक पक्ष का हकदार ना हो, परंतु यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो उच्च वर्ग जो व्यक्ति है ना जिसके पास तो सब कुछ है केवल उसके पास जा रहा है और निम्न वर्ग के पास तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो उसका क्या हो रहा है, उसको ना तो कोई मान मिल रहा है, ना उसको कोई अधिकार मिल रहा है, उसको कुछ नहीं मिल रहा, तो एक तरीके से क्या हो गया कि आप तो केवल एक ही पक्ष में हो ना, आप उच्च के पक्ष में हो और निम्न का क्या कर रहे हो, आप विरोध कर रहे हो, और इस तरीके से क्या हो गया कि आप जो अवसर दे रहे हो, जो व्यवसाय के भी अवसर दे रहे हो, वो तो उच्च वाले को मिल ही जाएंगे, क्यों मिल जाएंगे, क्योंकि भाई उसके पास तो सब कुछ है, उसके पास नाम है, शौहरत है, पैसा है, उसके पास वंशज नाम है एक अच्छा खासा, तो उसको मिल जाएगा, क्योंकि यह सुविधा संपन्नों के पक्ष के निर्णय में निर्णय देना होगा। अतः न्याय का तकाजा यह है कि जहां हम तीसरे प्रयासों की असमानता जो मनुष्य के अपने वश की बात है आधार पर मनुष्य के साथ असमान व्यवहार उचित ठहराते हैं, वहां प्रथम दो अधिकारों जो मनुष्य के अपने वंश की बात नहीं है बातें नहीं है उनके साथ समान व्यवहार नितांत अनुचित है। अर्थात लेखक बताते हैं कि भाई जो भाई व्यक्ति के जन्म से ही जुड़ा हुआ है, हम उस पर प्रश्न क्यों करें,
दूसरी सबसे बड़ी बात यही आती है निकल के कि भाई जो व्यक्ति में क्षमता है उसके आधार पर, उसकी क्षमता के आधार पर जो है आपको उसको अवसर देने चाहिए। ठीक है, अब जो व्यक्ति भाई सब कुछ लेके बैठा है उसका आप क्या करोगे? तो के आधार पर मनुष्य के साथ, मतलब इन सारी चीजों के आधार पर आप जो मनुष्य के साथ जो व्यवहार कर रहे हो, असमान व्यवहार कर रहे हो, इसको आप उचित ठहराते हो तो ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। मतलब किसी भी तरीके से ये उचित नहीं है जो आप कर रहे हो, क्योंकि एक को तो आपने सब कुछ दे ही दिया, सब कुछ उसको मिल ही गया, उसके बाद आप क्या सोच के उसके साथ जो है भेदभाव कर रहे हो। ठीक है, तो ये चीज गलत बताते हैं वो। और हमें ऐसे व्यक्तियों के साथ यथासंभव समान व्यवहार करना चाहिए, हमें जो है ऐसे व्यक्तियों के साथ सदैव जो है क्या करना चाहिए, समान व्यवहार करना चाहिए। क्यों? हमें ऊंचता और निम्न वर्गता को खत्म करके, जाति प्रथा को खत्म करके, गरीबी अमीरी को खत्म करके हमें सबके साथ क्या है समान व्यवहार करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, समाज में यदि अपने सदस्यों से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करनी है तो यह संभव है कि जब समाज के सदस्यों को आरंभ से ही समान अवसर, समान व्यवहार उपलब्ध कराया जाए। अगर आप सबसे समान की उम्मीद करते हो ना, तो क्या करो कि आप क्या सबको जो है समान अवसर भी प्रदान करो, और शुरू से करो। ऐसा ना हो कि आप अंत में दे रहे हो, ठीक है, आप अंत में सबको साथ में खड़ा कर देते हो, तो वो चीज गलत है। आप शुरू से ही समान अवसर हो और तभी उसकी क्षमता के आधार पर जो है निर्धारित करो अगर तुम्हें कुछ करना भी है तो। समता का औचित्य, समता का औचित्य यही पर समाप्त नहीं होता, अर्थात समता का उचित होना। जो भी लेखक ऊपर अभी जो है समानता की जो बातें कर रहे थे, जो वो उचित बता रहे थे, तो बताते हैं कि ये यहीं पे ही समाप्त नहीं होता है, इसका और भी आधार उपलब्ध है। एक राजनीतिज्ञ पुरुष का बहुत बड़ी संख्या में पाला पड़ता है। राजनीतिज्ञ कौन होता है? जो राजनीति का ज्ञान रखता है, ठीक है, तो वो पुरुष बड़ी संख्या से पाला पड़ता है। एक जो राजनीति व्यक्ति होता है, राजनीतिज्ञ, एक कोई राजनीति, कोई मंत्री है, ठीक है, कोई है, तो जो राजनीति से जुड़ा व्यक्ति है उसका एक बड़ी संख्या से पाला पड़ता है। उसको क्या करना पड़ता है? एक बड़ी संख्या को देखना पड़ता है। अपनी जनता से व्यवहार करते समय राजनीतिज्ञ के पास ना तो इतना समय होता है, ना प्रत्येक विषय में इतनी जानकारी ही होती है जिसकी वे सबकी अलग अलग विशेषताओं और क्षमताओं के आधार पर वांछित व्यवहार अलग अलग कर सके। एक राजनीति व्यक्ति है, ठीक है, तो क्या हमारे मंत्री के पास इतना टाइम है कि हमारी योग्यताओं को वो देखे और सबके साथ जो है वो अलग अलग तरीके का व्यवहार करे, वो सबको जान ले और सबसे बातचीत कर ले? नहीं, उसको सबसे बहुत बहुत सारी जनता से क्या करना पड़ता है, बहुत सारी जनता के सामने उसको आना पड़ता है, बहुत सारी जनता के वो सामने आएगा, ठीक है, बहुत सारी जनता को फेस करेगा, परंतु वो सबको समझ ले ऐसा कैसे पॉसिबल है? नहीं कर सकता ना। एक एक मान लिया उसको भाई राजनीति का तो ज्ञान है, वो है भाई एक जो है हम राजनीतिज्ञ है वो, परंतु क्या वो इतनी सारी जनता के व्यवहार को, उसकी क्षमता, उसकी आवश्यकताओं को अलग अलग तरीके से जो पहचान पाएगा? नहीं, वांछित व्यवहार अलग अलग कर सके लोगों को ना तो वो जान पाएगा ना वो समझ पाएगा। इतनी बड़ी जनसंख्या को कोई भी नहीं जान सकता, ठीक है, और उसकी अलग अलग आवश्यकताओं और क्षमताओं के आधार पर उसके साथ वांछित व्यवहार कर सके। वैसे भी आवश्यकता और क्षमताओं के आधार पर भिन्न व्यवहार कितना भी आवश्यक तथा औचित्यपूर्ण क्यों ना हो, मानवता के दृष्टिकोण से समाज को समाज दो वर्गों की श्रेणियों में नहीं बांटा जा सकता। ठीक है, अभी लेखक का सीधा पॉइंट राजनीतिज्ञों पे आता है कि भाई देखो उसे नहीं पता कि आवश्यक क्या है, किसकी क्या आवश्यकता है, किसमें कितनी क्षमता है, राजनीतिज्ञ को नहीं पता। पर उससे भी बड़ी बात है, चलो उसे पता या नहीं पता, उससे भी ऊपर वो क्या मानते हैं, मानवता को मानते हैं कि मानवता के दृष्टिकोण से हम जो है समाज को दो वर्गों में नहीं बांट सकते। समानता का जो अधिकार है, इज्जत का जो, मान का जो अधिकार है, वो सबका है। ऐसी स्थिति में राजनीतिज्ञ अपने व्यवहार में एक व्यवहार्य सिद्धांत की आवश्यकता रहती है, और वह व्यवहार्य सिद्धांत यही होता है कि सब मनुष्य के साथ समान व्यवहार किया जाए। तो देखो भाई, एक राजनीतिज्ञ को नहीं पता कि भाई ये पढ़े लिखे खानदान से है, ये अनपढ़ खानदान से है, ये उच्च वर्ग का, ये निम्न वर्ग का। जब इतनी सारी भीड़ जनसंख्या जो है एक मंत्री के आगे अगर खड़ी होगी तो वो नहीं बता सकता। तो इसके लिए उचित व्यवहार क्या है? ठीक है, उसके लिए सबसे बड़ा उचित व्यवहार ये नहीं कि मैं एक राजनीतिज्ञ हूं तो फिर मैं यही करूंगा। उसके लिए क्या है, मानवता को सबसे बड़ा, सबसे ऊपर उसको मानना चाहिए। उसको किसी के व्यवहार और क्षमता के आधार पर किसी के साथ बर्ताव नहीं करना चाहिए। उसको समानता, मानवता के आधार पर उसको जो है सभी लोगों को समान मान के चलना चाहिए, और यही एक उचित व्यवहार कहलाएगा उसका। राजनीतिज्ञ यह व्यवहार इसलिए नहीं करना कि सब लोग समान होते हैं, बल्कि इसलिए वर्गीकरण
इसलिए कि वर्गीकरण एवं श्रेणीकरण संभव हो। केवल इसलिए नहीं कि भाई राजनीति के इसलिए व्यवहार नहीं करता कि सब लोगों समान होते हैं, ठीक है, वो क्या बताते हैं कि वर्गीकरण और श्रेणीकरण संभव हो क्षमता और आवश्यकताओं और क्षमताओं के आधार पर। इस प्रकार समता यद्यपि काल्पनिक जगत की वस्तु है, मतलब अभी केवल इसकी कल्पना ही की जा सकती है, ठीक है, तो जो समानता है वो क्या है कि केवल काल्पनिक जगत की वस्तु है, फिर भी राजनीतिज्ञ को सभी परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए उसके लिए यही मार्ग भी रखता है, क्योंकि यही व्यवहारिक भी है और यही उसके व्यवहार की एकमात्र कसौटी। अब यहाँ पे लेखक बताते हैं कि भाई जो राजनीतिज्ञ है उसको क्या है, सभी परिस्थितियों दृष्टि में रखते हुए उसके लिए यही मार्ग भी रहता है। मतलब क्या कि सीधी की सीधी बात, एक राजनीतिक के लिए भी कौन सा रास्ता सही रहेगा, केवल समानता, समानता के रास्ते पे चलो आपका काम बनता रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जो है यही आपका व्यवहार भी है, आपका व्यवहारिक, आप जिस तरीके का आपका व्यवहार क्या है, आपका नेचर क्या है, आपका स्वभाव कैसा है, ठीक है, तो आपको क्या है सबके साथ समानता के साथ रहना चाहिए, आपको समानता को बढ़ावा देना है, बस यही आपकी कसौटी है। आप एक अच्छे राजनीतिक कब कहलाओगे, जब आप जो है समानता को बढ़ावा दोगे, आप सबको जो है सबके भले के काम करोगे, ठीक है, सबके भलाई के लिए करोगे, और यही आपकी एकमात्र कसौटी है, यही आपकी एक परीक्षा है, मतलब यही आपकी जो है आइडेंटिफिकेशन है कि आपने क्या किया है, आपने सबको समान माना है। एक अच्छे राजनीतिज्ञ का भी केवल यही उद्देश्य है। तो लेखक ने इस पाठ के अंदर भी, मतलब पहले वाले अंश के, इस पाठ के पहले वाले अंश में जाति प्रथा को बढ़ावा देने वाले जाति प्रथा का विरोध किया कि जाति प्रथा चली जाएगी तो सबको एक समान अवसर मिल जाएगा व्यवसाय करने का, ठीक है। दूसरी चीज में वो बताते हैं कि भाई अगर मैं जाति प्रथा को हटा के किसी समाज की कल्पना कर रहा हूं तो ऐसा प्रश्न आप मुझसे करोगे, तो उसका प्रश्न का उत्तर उन्होंने यहाँ पे दे दिया कि भाई मैं इन तीन चीजों को जो है प्रमुख मानता हूं, और वो तीन चीजें क्या निकल कर आती हैं हमारी, समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृता। तो समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृता, इन तीनों ही चीजों का जो है लेखक ने यहाँ पे वर्णन कर दिया है। सबके अपने अपने पहलू लेखक ने बता दिए हैं कि मैं क्यों चाहता हूं कि जो है समाज में समानता हो, पूरे पाठ को याद रखने के लिए केवल तीन ये पॉइंट सिर्फ याद रखें कि लेखक ने क्या किया है, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृता, इन तीनों को ही केवल इम्पोर्टेंस दिया है, और इसी के ही एग्जाम्पल लेखक ने यहाँ पे दिए हैं कि किस तरीके से आदर्श समाज की जो है कल्पना की जा सकती है, ठीक है। जो आदर्श समाज की कल्पना लेखक ने यहाँ पर की है वही आदर्श समाज क्या है, उसके अच्छे पॉइंट भी बताए हैं लेखक ने यहाँ पे, उसके बुरे पॉइंट भी बताए हैं, और लेखक बताते हैं कि स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे, इससे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये जो है वो सभी का भला करेगी, ठीक है। तो इतना ही है, केवल इन तीन चीजों को आप अगर ध्यान में रखेंगे तो प्रश्न उत्तर भी बड़ी ही आसानी से हो जाएंगे और पाठ भी आसानी से समझ में आ जाएगा। केवल इन तीन पॉइंटों को ही यहाँ पे पूरे के पूरे पाठ में बताया गया है।